दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग वालों के एक काला सच। मेरे पास दोस्तों एक कमेंट आया है, मैं आपको पढ़कर सुना देता हूँ। कमेंट करने वालों के नाम है रवि रंजन कुमार। हेलो भाई, मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग से बहुत सारे प्राइवेट वीडियो रिकॉर्डिंग की है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाले मेरी वीडियो डाउनलोड तो नहीं करेंगे? कर लेंगे, बहुत डर लग रहा है। दोस्तों आज हम इसी के बारे में ही बात करने वाले हैं। क्या वाकई में ये सब हो सकता है, मतलब स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाले हमें धोखा दे सकते हैं या नहीं? आज हम इसी के बारे में ही बात करने वाले हैं। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश कुमार, मिस्टर इंडिया टीवी में आप सभी का स्वागत है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक सवाल है, आप प्राइवेट वीडियो ले क्यों रहे हैं? मतलब ऐसा क्या वजह पड़ गया कि आपको प्राइवेट वीडियो की सख्त जरूरत पड़ा? दोस्तों ऐसा मत करो, क्योंकि यार आपको कोई एप्लीकेशन की वजह से लीक हो ऐसा जरूरी नहीं है। आपके दोस्त लोग आपके मोबाइल से तो प्राइवेट वीडियो लीक करवा सकते हैं, क्योंकि आजकल किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं कर सकते हम। यहाँ पर पीछे से हमें धोखा दे सकते हैं दोस्त लोग। मतलब मैं सारे दोस्तों की यहाँ पे बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ कुछ कमीने दोस्तों की यहाँ पे बात कर रहा हूँ, जो यहाँ पे पीछे से वार करने वाले हैं। दोस्तों छोड़ो इस टॉपिक को, पहले हम बात कर लेते हैं कि वाकई में स्क्रीन रिकॉर्डिंग से प्राइवेट वीडियो लीक होता है या फिर नहीं। दोस्तों ये सब बताने से पहले आपको पहले ये ध्यान रखना होगा कि यार वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग कौन सा है, मतलब वो मोबाइल के साथ में आया है या फिर आपने किसी स्टोर से डाउनलोड किया है, जैसे कि हो गया प्ले स्टोर। अगर आपने प्ले स्टोर से डाउनलोड करके यूज कर रहे हैं तो वाकई में प्ले स्टोर ये 100% तो गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन हाँ 90% गारंटी देता है कि वो बिल्कुल गलत नहीं करेंगे, क्योंकि यार प्ले स्टोर से यहाँ पे वेरीफाई होके डाउनलोड होता है ये सब। अगर आप प्ले स्टोर से डाउनलोड ना करके एक अननोन सोर्स से डाउनलोड करते हैं, जैसे कि हम गूगल में कोई भी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, अगर वैसे आप करके इंस्टॉल कर रहे हैं तो यहाँ पे लीक होने का ज्यादातर संभावना है दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पे अगर आप कंप्यूटर में स्क्रीन रिकॉर्डिंग यूज कर रहे हैं तो दोस्तों यहाँ पर घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर में जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग होता है वो ऑफलाइन ही होते हैं, यहाँ पर लीक होने की कोई चांस नहीं है। लेकिन अगर आप मोबाइल पे करते हैं तो यहाँ पे लीक होने का ज्यादातर चांस है। मैंने दरअसल ये किसी साइबर एक्सपर्ट से बात करने के बाद ये वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों उनका कहना यही है, अगर फोन के साथ में कोई स्क्रीन रिकॉर्डिंग आया है, मतलब ऑटोमेटिक से अगर कोई फोन में है स्क्रीन रिकॉर्डिंग, अगर आप उससे यूज करते हैं तो ज्यादातर संभावना है, ये ज्यादातर पॉसिबल है कि वो आपकी प्राइवेट वीडियो को स्टोर करके अपने क्लाउड में रख सकते हैं, मतलब अपने सर्वर में रख सकते हैं। क्योंकि यार फोन से जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग होता है ना वो ऑनलाइन ही होता है, ऑफलाइन भी कर सकते हैं आप, लेकिन ज्यादातर आपके फोन में कनेक्टिंग रहता है इंटरनेट। अगर आपका इंटरनेट कनेक्टिंग रहा तो यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं वो। और दोस्तों यहाँ पे फोन में जो ऑटोमेटिक स्क्रीन रिकॉर्डिंग आया है, ना ही उसे हम अनइंस्टॉल कर सकते हैं, ना ही यहाँ पे हम उसके सेटिंग को बिगाड़ सकते हैं, जैसे कि हो गया उसका इंटरनेट जो है वो ऑफ कर सकते हैं। दोस्तों ये पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि स्क्रीन रिकॉर्डिंग में ऐसा कोई ऑप्शन दिया ही नहीं है कि हम इंटरनेट को यहाँ पे ऑफ कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर कोई एप्लीकेशन से करते हैं तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है कि आपको एप्लीकेशन से इंटरनेट को ऑफ करने का एक ऑप्शन मिल जाता है। और दोस्तों अगर आप प्ले स्टोर से बाहर जाकर किसी एप्लीकेशन को डाउनलोड करके यहाँ पे इंस्टॉल करते हैं, जैसे कि हो गया स्क्रीन रिकॉर्डिंग की यहाँ पे बात कर रहा हूँ ना, तो समझिए कि एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग को आप बाहर से डाउनलोड करके आपने इंस्टॉल कर दिया, तो यहाँ पे एक खतरा है। दोस्तों उस एप्लीकेशन के साथ भी यहाँ पर कुछ और भी इंस्टॉल हो सकता है, जैसे कि उस एप्लीकेशन के साथ यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ किए जाते हैं, तभी तो वो आपको फ्री में मिलता है। दोस्तों अगर आप बाहर से डाउनलोड करके यहाँ पे इंस्टॉल कर देते हैं तो यहाँ पर एक सबसे बड़ा खतरा रहता है, क्योंकि अगर उस एप्लीकेशन को किसी ने मॉडिफाई किया होगा तो यहाँ पर वो अपना एक पेलोड, अपना एक इनबिल्ड वायरस यहाँ पे लोड कर देता है, एक अननोन सा एप्लीकेशन वो लोड कर देता है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो एप्लीकेशन क्या है। और दोस्तों यहाँ पर वो आपके सारे के सारे डेटा जो है कंज्यूम कर सकते हैं, मतलब अपने सर्वर में लोड कर सकते हैं। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपका ये डाउट था कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग से वाकई में कोई वीडियो लीक होता है या फिर नहीं होता है, वो आपका कंप्लीट हो गया होगा। अगर किसी के मन में अभी भी कोई डाउट है तो नीचे मुझे कमेंट करके बताएं, मैं कोशिश करूंगा कि ये डाउट उसके क्लियर हो जाए। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और दोस्तों ऐसे ही वीडियो अगर आपको पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ यहाँ पर बेल आइकन भी प्रेस कर देना, वो भी ऑल वाला। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।